another important reason is mothers mental well-being and child's health so the things influence on child's health one of them is mental well-being of their mothers maternal depression and depressive symptoms particularly when these affect the mother during the first year after birth are associated with her children's impaired growth and delayed socio-emotional and cognitive development माँ अगर डिप्रेस्ड है माँ परेशान है तो वो कभी सेहतमंद बच्चा जन्म नहीं दे सकती कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर रह जाएगी इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अप्रॉक्सीमेटली वन इन फोर विमेन लिविंग इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये ज़्यादा फिनना सामने आ रहा है कि पैदाइश से पहले माँ डिप्रेशन का शिकार हो रही है उसमें आप खुद समझ रहे हैं कि सिर्फ न्यूट्रीशन का रोल नहीं है उसमें सोसाइटल एक्सेप्टेंस का भी रोल है कि माँ को कितनी अहमियत मिल रही है कितना उसके ऊपर प्रेशर्स कम है उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है क्या उसका पार्टनर उसको सपोर्ट कर रहा है या जो उसके इर्द गिर्द दूसरे सिग्निफिकेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसको ये बताया जा रहा है बहुत सी ऐसी माएँ हैं जिनको ये ही नहीं बताया जाता कि बच्चा पैदा करने का जो प्रोसेस है उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है किन किन चीज़ों का ख़्याल रखने की ज़रूरत है क्या मसाइल हो सकते हैं और उन मसाइल का हल क्या है तो ऐसी सूरत में एक अनजाने खौफ की सूरत भी पैदा होती है ख़ास तौर तो पर उन माओं में जो अभी कम उम्र हैं और इससे वो डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं डिप्रेशन एंड वेमेन इज़ यूजली द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल कॉजेज एंड फैक्टर्स किसी एक बात से हम नहीं कह सकते कि डिप्रेशन है uh, इसमें पॉवर्टी भी शामिल है लो एजुकेशन भी है हाई स्ट्रेस भी है ड्यू टू मैरिटल कॉन्फ्लिक एंड डोमेस्टिक वायलेंस लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड पोअर सोशल सपोर्ट देखें बात करना आसान लगता है लेकिन बहुत सी ऐसी खातन हैं हमारे माशरे में जिनको किसी मौके पर भी स्पेयर नहीं किया जाता अगर वो बच्चे की माँ भी बनने वाली हैं तब भी कुछ मर्द अपनी बीवियों पे ज्यादती करते हैं उनको मार कुटाई भी करते हैं प्रेशर भी डालते हैं जो हाउस कोर्स हैं उसके ऊपर भी उसको कंटिन्यूसली मजबूर किया जाता है सेहत का ख्याल रखना तो दूर की बात उसके मसाइल को आइडेंटिफाई या उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी माँ बहुत से मसाइल का शिकार हो सकती है फिर ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे की पैदाइश के वक्त खुद बच जाए या फिर बच्चा बच जाए सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एन ओवर एज अप टू ऑफ अटेंडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर इन डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र फ्राम एंगजाइटी ऑर्डर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स तो एक बहुत बड़ा फिगर है ट्वेंटी परसेंट वेमेन जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार हैं स्ट्रेस की बहुत सी वजूहत हो सकती जैसे मैंने अर्ज़ किया वो सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं है वो सोशल एक्सेप्टेंस भी है वो इमोशनल एक्सेप्टेंस भी है और वो एजुकेशन भी है एजुकेशन मीन्स उसको पता हो कि हालात क्या हैं और कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं इन मसाइल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है एंड हर मदद किसने करनी है और किस तरह से मदद लेनी है और वो जो हमने एंटी विजिट्स की बात की थी वो विजिट्स क्यों लेने हैं क्यों अहम हैं और कब लेने हैं अगर मुआरह इन सारी चीज़ों में मददगार हो तो माँ खुशी खुशी अपने इस मरहले से निकल भी सकती है और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म भी दे सकती है तो ऐसी पॉलिसी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के लेवल पे बनानी है और बहासीत इस हम आपको बता रहे हैं जेंडर आइडेंटिटी का रोल आपने बचपन से ही बच्चियों को ये बताने हैं चीज़ें कि उनको थ्रू आउट देयर लाइफ अपनी ज़िंदगी में अपनी खुराक का अपनी सेहत का और अपनी शख्सियत का ख़्याल कैसे रखना है ताकि कम से कम एजुकेशन के फैक्टर को तो हम कैटर कर लें